दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में जहां आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिसे हम बताएंगे आपको आल डिपार्टमेंट यानी कि इसमें सफाई कर्मचारी भी आते हैं, PDD डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर भी आते हैं, अन्य डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर भी यहाँ पर मौजूद। लगातार ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ को भी सुना जाए और इनकी भी मांगों को पूरा किया जाए। चलिए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जो आज का जो प्रोटेस्ट है LG हाउस की तरफ जहाँ से कूच किया जाएगा, जो कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले है, जिसमें मुख्तलिफ महकमा PHE से हैं, म्यूनसिपलिटी से हैं, और उसके साथ साथ इरीगेशन से हैं, फॉरेस्ट से हैं, फूड एंड सप्लाई से, टूरिज्म से, अलग अलग डिपार्टमेंट फिशरीज से हैं, और उसके साथ साथ जितने भी अलग अलग महकमा हैं, महकमा के कैजुअल लेबर्स डेली बेसिस जितने यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं ये प्रोटेस्ट, और यहाँ से LG हाउस की तरफ कूच, और केवल जो सरकार को इस गहरी नींद से जगाने के लिए है कि जम्मू कश्मीर में जो 61,000 परिवार, 61,000 कैजुअल लेबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में एज ए कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस, कंटेक्चुअल, अडहाक, अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं, सीजनल लेबर्स, उन तमाम वर्कर्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन LG गवर्नमेंट है वो उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी का फ्रेम करे, SRO 64 के तहत जो है तमाम डेली वेजर्स को रेगुलाइज किया जाए, और ड्यूटी बने हुए जो समय लगभग 2.5-3 साल का बीत चुका है, UT के रेट फौरी तौर पर लागू किए जाए, अन्यथा आने वाले समय में और कड़े कदम उठाने के लिए कैजुअल लेबर्स डेली वेजर जो है वो मजबूर हो जाएंगे। अगर परिवारों को लेके रोडों का रुख करते हैं, टूल डाउन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो भी कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, या कोई और सिचुएशन बनती है, जब मेरे किसी एक कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को कहीं आहत पहुँचती है, उसकी सारी जिम्मेवारी जो होगी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि मजदूर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की। एक सवाल जरूर करना चाहिए, 8 मार्च को जिस तरह से डेली वेजर का एक उग्र प्रदर्शन हुआ था रविंदर राणा जी के घर के बाद, वहाँ आपकी उपस्थिति क्यों नहीं, आप एक ही मंच पर आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? बिल्कुल, वो वहाँ पर उस समय एक PHE डिपार्टमेंट के बैनर तले प्रोटेस्ट किया गया, और जिसमें PHE के तमाम वर्कर्स पहुंचे थे, और सरकार को आगाह करने के लिए जो UT के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, उनके घर का घेराव किया गया, और उन्होंने अपना वादा भी निभाया, हमारे साथियों को लेके वो LG हाउस में पहुंचे, और कल किसी कारणवश LG साहब की सेहत ठीक नहीं थी, LG साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके सेक्रेटरी से जो बात हुई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद इन डेज में ही जो है LG, हाँ, फिलहाल आज का जो प्रोटेस्ट है ये आल डिपार्टमेंट का है, आल डिपार्टमेंट जिसमें मुख्य तौर पर PHE से भी हैं, खास तौर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ म्यूनसिपलिटी के साथी भी हैं, उसके साथ इरीगेशन के साथी हैं, फॉरेस्ट के हैं, फिशरीज से हैं, टूरिज्म से हैं, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से हैं, सेरीकल्चर से, फूड एंड सप्लाई से, और उसके साथ साथ सीजनल लेबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पर सारे एकत्रित हुए हैं, और कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार को जगाने के लिए है कि जो आपने वादे किए हैं, जब माननीय होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब आए थे, उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट लागू किया गया, लेकिन ग्राउंड में उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, वो फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से उनको भी ये मैसेज पहुँचा देना चाहते हैं, अपील भी करते हैं और वार्न भी कर देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आइए, लेकिन जो मुंह से कहा है उसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवा के आइए, ताकि हम वेलकम करें, अन्यथा जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं वो परिवारों को लेकर जिस रोड से वो आएंगे उस रोड पे भी वहां पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या कहेंगे सर, आज आप जो कि राजभवन का जाने राजभवन तक जाने वाले हैं, क्या आपको जाने दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए? जी, सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करेंगे कि जो पल पल हमारी आवाज़ को बुलंद करके और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, और मैं लक्की चीदा स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जैसा कि हमने आज 4 तारीख के एक प्रोटेस्ट दिया था यहीं पर प्रेस क्लब में, और यहां से ऐलान किया था कि 10 तारीख के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो गवर्नर हाउस का कूच करेंगे, गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे अगर उस बीच हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, लेकिन सरकार ने आज भी कहीं ना कहीं आनाकानी दिखाई है, एक तरफी फैसले पर गौर किया है, लेकिन हम जो आज जितने एम्प्लॉय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो आज प्रेस क्लब में जमा है,
और कुछ ही चंद ही मिनटों में यहाँ से गवर्नर हाउस के लिए घेराव करेंगे, और उसमें अगर हमारे किसी एम्प्लॉय को कोई 19-21 होती है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। और कोई भी हमारे साथी जो है वो अपना पीसफुली रैली लेके निकलेंगे, पीसफुली हम गवर्नर हाउस की तरफ जो है कूच करेंगे, उसमें कोई हमारे साथ धक्का मुक्की अगर हुई तो उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। धन्यवाद। साफ तौर पर आप देख रहे हैं ऑल कैजुअल है, यानी ऑल डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर द्वारा भी अभी गवर्नर हाउस की तरफ कूच किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इनको गवर्नर हाउस तक पहुंचा जाने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि मोस्टली जिस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं उन्हें रस्ते में ही रोक दिया जाता है। फिलहाल कैजुअल लेबरों का यह कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का लगातार आगमन हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का भी जम्मू में दौरा का आह्वान हुआ है, उसी के चलते उन्होंने कहा कि हम अपना अपनी जो बात है प्रशासन सरकार तक रखना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और साथ ही साथ गवर्नर हाउस का कूच करेंगे आज, और अगर अन्यथा किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम आती तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होती है। देखते हैं अब आने वाले समय में क्या इनका ये जो प्रदर्शन है रंग लाता है, क्या इनको भी आश्वासन मिलता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनकी दुविधाओं का जरूर हल होगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़िए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।